हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ, ईद है तो मैं आया हूँ अपने मामू के घर में। वैसे तो आज हम जाएंगे घूमने फिरने भी, तो आज के पहले वीडियो होगी। अरे यहाँ पर कोई बच्चा आया हुआ है, थोड़ा सा रुके, उसे मिल दिख रहा। हाँ गाइस, तो फिर अच्छा, तो फिर हम कहाँ पर थे? हम आए हुए अपने मामू के घर। ईद है, ईद का शायद दूसरा ही दिन है। हाँ दूसरा ही दिन है, कल हमारे कुर्बानी भी हुई थी। तो मैं हमारा तो यहाँ पर अभी मतलब कि ना सारे अंदर बैठे हुए हैं, मेरी अम्मी भी, मामा भी, और मतलब के मेरे मतलब के उनकी मेरे मामू के घर आए हुए हैं सारे। तो वहाँ पर हो रही है सब लोगों के साथ बात। तो मैंने कहा चलो ज़रा बाहर आ जाए जाए, आप लोगों के साथ ज़रा कनेक्ट रहा जाए। मैं कहा कि ना चलो जो भी हो, लेकिन ब्लॉग तो बनाना ज़रूरी होता है हर मोमेंट के लिए। तो फिर हम मेरे जो मामू हैं वो मतलब मेरे नानों के भाई हैं, तो हम उनको मामू ही कहते हैं। तो उनको क्रिएटिविटी का बड़ा शौक है, उनका घर बड़ा मतलब के अच्छा है, और लगता ही नहीं है कि उसको घर कहा जाता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को उनके क्रिएटिविटी के बाइक्स दिखा दूं, बाइक्स के बाद हम जाएंगे उनका घर का रिव्यू करने। तो चलते हैं पहले अपना उनके तीन बाइक हैं, तो तीनों आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए गाइस, ये है बाइक नंबर 1। देख सकते हैं आप कितनी क्रिएटिविटी से काम किया गया है। ये मतलब के किसी भी पुरानी बाइक को इस तरह का बदल देती है। ये अगर आप अगर कोई अगर देखेंगे अगर कोई अगर ये देखे माउंटेड बाइक की तरह, यही अगर आप दुकान से अगर ऐसा बाइक खरीदेंगे तो आपको महंगा मिलेगा। तो चलिए अब आगे जाते हैं। ये देखिएगा ये अब यहाँ पर तो है दूसरा बाइक, ये है पर्पल और वाइट कलर में। इसकी हेडलाइट्स वगैरह सारा कुछ ये देख सकते हैं आप काम। ये अंदर मतलब दूसरे वो आम बाइकों वाली चीज़ है, ऊपर इन्होंने प्लास्टिक की कवरिंग करी है, और ये लाइंस भी सारा कुछ आम बाइक है, लेकिन इसकी बॉडी उन्होंने खुद बनाई है। साफ पता चल रहा है प्लास्टिक से, लेकिन दूर से पता लग रहा है जैसे फरारी का निशान भी है यहाँ पर। तो चलें अब अपनी तीसरी बाइक की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया है तीसरा बाइक, ये देखें। ये था तीसरा बाइक। तो अंदर का रिव्यू कराने से पहले मैं आप लोगों को अपने मामू से मिलवाऊंगा। तो मेरे जो मामू हैं ना, उनकी जो जॉब है वो मतलब के पीर हैं, जो मतलब के मेरे नानों के भाई हैं ना, वो उनकी जॉब है पीर। तो आप लोगों को इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप लोगों का कौन सा जादू हो जाएगा। तो हम दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, फिर चलते हैं। बल्कि पहला सा करता हूँ रिव्यू करवा देता हूँ, अपने मेहमानों से थोड़ा मसरूफ़ है। चलें घर का रिव्यू करते हैं। तो गाइस पहला ये वाला कमरा है, ये मतलब के थोड़ा छोटा है। मैंने कहा सबसे पहले ओल्ड से शुरू करूँ और नए पे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं आप लोग सोच रहे होंगे भला बंदा घर का रिव्यू क्यों कराता है, क्योंकि इनके घर खूबसूरत है। तो चलते हैं, अगला है हमारा किचन। तो ये दूसरा कमरा आ चुका है। उस कमरे में मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो पहले हम करके पहले मैं ऐसा करता दूसरे कमरे में, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं मेहमान, चलते हैं हाँ दूसरे कमरे में। हाँ तो फिर अभी हम आए हैं दूसरे कमरे में। यहाँ मैं उस वीडियो की फुल नहीं बना सका, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो अभी मैं इसी वजह से रिव्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को ये दिखा दूँ, बहुत चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पर, डेकोरेशंस के लिए चीज़ें रखी हुई हैं ये सारी। यहाँ पर फ्रेम पड़ा हुआ है ये, अभी तो गाइस अभी सही चीज़ आई ही कहाँ है। वो जो आए वहाँ पर मेहमान इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम बाहर से दिखा देते हैं कि अंदर हॉल में जाने के लिए कौन सा घर है। या आप लोगों को लग रहा होगा ना जैसे स्टूडियो है, चलते हैं। तो पहला तो ये आ चुका है, ये देखें, ये मिरर आप देख सकते हैं कितना, ये ग्रीन शेड, ये ब्लू और ये वाइट है ना, कितना ऑसम लग रहा है।
तो ये सारा ऐसा ही अंदर है। यहाँ पर भी वैसा ही लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक पोल भी है, यहाँ पर का भी रिव्यू करा रहे हैं। यहाँ पर जब हम पहले आए थे तो मतलब कि यहाँ पर इतनी वो नहीं करी गई थी, इतना डेकोरेशन नहीं किया गया था। तो आप लोग, मैं यहाँ व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, आप लोगों ने मेरा आज शाम का व्लॉग देखना है। अगर हम अभी मुझे पक्का नहीं पता कि आज शाम को हम जा भी रहे हैं घूमने या नहीं, लेकिन मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है ना। गुड बाय, ओ गुड बाय नहीं, अभी रहता है व्लॉग। तो चलें ऐसा करते हैं, जब तक हम छत पर जाते हैं, आखिरी रह गया है छत, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं छत पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम आ गए, यहाँ तो ये हम अब ऊपर आ चुके हैं। तो ऊपर का वाले रिव्यू है, ऊपर यहाँ ऊपर का, यहाँ पर इतनी डेकोरेशन नहीं करी गई है, लेकिन कबाड़ा भी तो किसी को अच्छा लगता ही होगा। तो हैं, तो फिर अभी हम अंदर आ गए हैं। ये कमरा थोड़ा पुराना है, छत है, मतलब स्टोर रूम उसको कहते हैं, स्टोर रूम है ये। यहाँ पर मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये कंबल, वो बिलचा जो भी है। अच्छा चलो, फिर ये मशीन भी पड़ी हुई है पुरानी, और ये रही है मोटर, थोड़ी पुरानी चीज़ें। तो अभी हम ऐसा करते हैं, पहले अपने मामू से मिलवा देते हैं। तो चलें ऊपर वाली छत पे, मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी है। चलते हैं अब नीचे, अभी हम जा रहे हैं अपने मामू के कमरे में। तो मैं आ गया हूँ अपने मामू के पास, ये रहे मेरे मामू, डरना नहीं है इनसे। तो आप बताएं क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। बेटा मैंने क्या कहना है, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये जो कुछ आपने दिखाया, ये मेरे अपने हाथों की चीज़ें बनी हुई हैं, ये खुद मैंने तैयार की हैं। और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि हर एक पाकिस्तानी जो है, अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करे तो ये ऐसी चीज़ें बना सकता है। वैसे आजकल के दौर में इतने लोग नहीं रहे कि खुद से बना सकें, लेकिन ये मेरे मामू खुद से चीज़ें तैयार करते हैं और बनाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। अगर मामू, अगर आप अपनी दुकान खोल लें तो ये कितने की आप बेचेंगे? बेटा शौक की कोई कीमत नहीं होती। गुड, तो चलें अब हम अपने चलते हैं उस सबसे बेहतर वाले रूम में। मामू आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू बेटा, गुड। तो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं, ये है जो कमरा, जो लास्ट कमरा था। मैंने आपको अपने मामू से भी मिलवा दिया, और उन्होंने जो मैसेज दिया उसको दिमाग में डाल देना है। तो फिर ये देखें, ये सारी चीज़ें, ये सारी उन्होंने नहीं बनाई, ये सारी करवाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप, बेड यहाँ पर लग रहा है ना, जैसे स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन स्क्रीन नहीं है। और ये रही, तो अभी तो आखिरी अलमारी रहती है, और यहाँ पर एक अनयूजुअल चीज़ भी है, वो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोगों ने बताना है मुझे। तो ये रही कमरे की दूसरी, तो फिर ये रही दूसरी जगह ये, और अब हम आपको अनयूजुअल चीज़ दिखाते हैं। ये जो आप अलमारी देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ है ना, अब यहाँ पर एक अलमारी इनकी तरह है, और अब आप लोगों ने बताना है इसके अंदर क्या होगा। गाइस यहाँ पर अभी मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी इस कमरे में दम होने लगा है। तो ये रही थी अलमारी, इसके अंदर आपको पता है क्या है? वॉशरूम। ये थी अनयूजुअल चीज़, देखा, पता नहीं चलेगा अगर हाइड एंड सीक खेल लियो। तो कमरे का रिव्यू हो गया, अब ये आखिरी चीज़ है, इनको देखें, ये पाले हुए हैं। तो यहाँ तक था हमारा व्लॉग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करना। और ध्यान से अगर ये वीडियो शेयर कर दी तो लोगों में जिन भी फैल सकता है।